इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग फ्लैश में बेसिक शेप के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शेप की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये बहुत ही आसान सी टेक्निक है, तो उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेम नंबर वन, लेयर वन पर मैं एक सिंपल अपना सर्कल ड्रॉ करता हूं विथ एनी कलर विथ एनी साइज। यहां पर मैंने एक सिंपल सर्कल अपना क्रिएट कर दिया। ख्याल रखना है कि सर्कल को यानी किसी भी शेप को क्रिएट करने के बाद उसे डबल क्लिक करके F8 करके ग्राफिक में कन्वर्ट नहीं करना है। आपको याद होगा इससे पहले जितने भी सेशंस हमने अटेंड किए उन तमाम के अंदर हमने ये सीखा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसे F8 करें और उसे ग्राफिक में कन्वर्ट करें, लेकिन शेप में कन्वर्ट करने के लिए या शेप की कमांड को अप्लाई करने के लिए कंपल्सरी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ग्राफिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेम नंबर वन पे मैंने एक सिंपल अपना ऑब्जेक्ट सर्कल ड्रॉ किया। फ्रेम नंबर 25 पे जाते हैं और यहां पर F6 करते हैं इंसर्ट की फ्रेम, और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके विथ डिफरेंट कलर किसी दूसरी लोकेशन पर, लाइक मैं पेज के कॉर्नर पर एक स्मॉल स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अब फ्रेम नंबर वन पे मेरे पास सिंपल सर्कल है, जबकि फ्रेम नंबर 25 पे मेरे पास स्क्वायर और सर्कल दोनों है, लेकिन मुझे यहां पर सिंपल स्क्वायर चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए। तो मैंने V बटन प्रेस किया, मूव का टूल, अपना एरो सेलेक्ट किया और सर्कल को यहां से डिलीट किया। ख्याल ये रखना है कि आपको सिंपल सर्कल को डिलीट करना है। आमतौर पे जब आप फ्रेम नंबर 25 पे क्लिक करते हैं तो उस सूरत में सर्कल और स्क्वायर दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होते हैं, तो आपको पेज पर कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करना है, इससे दोनों डीसेलेक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद सिंपल सर्कल को सेलेक्ट करके उसे डिलीट करना है। तो फ्रेम 25 से हमने सर्कल को डिलीट किया और यहां हमें सिर्फ स्क्वायर नजर आ रहा है, जबकि फ्रेम नंबर वन पे हमारा सर्कल अपनी जगह मौजूद है। जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो सर्कल फॉर फ्रेम वन पे और फ्रेम 25 पे स्क्वायर हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीच वाली जो एनिमेशन है वो इस वक्त क्रिएट नहीं हुई है। तो हम बेसिकली अपनी फ्रेम पर यानी फ्रेम 1 से 25 के बिटवीन किसी भी फ्रेम पर हम क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद ट्विन में हमारे पास नन आ रहा है, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे शेप, तो हमारा ऑब्जेक्ट शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको देखने के लिए मैं सिंपल इंटर बटन प्रेस करता हूं, आप देखें मेरा सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर तब्दील हो रहा है। कंट्रोल इंटर प्रेस करने से हमारा सर्कल सिंपल स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक शेप का बहुत ही सिंपल और आसान सा कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद लेते हुए हम अपने शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा असाइनमेंट हम बनाने की कोशिश करते हैं, या एक और छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, और वो काम मैं इसी वीडियो के अंदर करना चाहता हूं और इन्हीं फ्रेम्स और लेयर को यूज करते हुए। तो मैं सबसे पहले इन तमाम एक्शंस, फ्रेम्स और लेयर को डिलीट करूंगा। ऐसा करने के लिए मैं फ्रेम 25 के आगे जो भी खाली लेयर है वहां क्लिक करते हुए पीछे की तरफ जाऊंगा, यानी रेंज बनाऊंगा, और राइट क्लिक करने के बाद रिमूव फ्रेम करेंगे। रिमूव फ्रेम करने से हमारी तमाम फ्रेम्स रिमूव हो गई। देन हम फ्रेम वन पे सेलेक्ट रहेंगे को सेलेक्ट करेंगे। फ्रेम वन इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है, जिस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम काम करने की कोशिश करेंगे तो एक एरर हमारे पास आएगा, लाइक मैं एक सिंपल सर्कल सेलेक्ट करता हूं और फ्रेम वन पर उसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, तो फौरन से सिस्टम ने एक एरर दे दिया कि देयर इज नो करंट फ्रेम टू ड्रॉ इनटू और आगे डिटेल्स। तो ये क्या रीजन है? ये रीजन ये है कि इस वक्त कोई फ्रेम डिफाइंड नहीं है जहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे, यानी एक ब्लैंक फ्रेम लेंगे और देन उसके बाद हम जो भी शेप ड्रॉ करना चाहते हैं वो शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। शेप को ड्रॉ करने के बाद हम मूव का टूल यानी V सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करके अपने शेप को F8 करके ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे, और इसका नाम सिंपल मैं सर्कल टाइप कर देता हूं और ओके कर देता हूं। इस तरह से लेयर वन पे सिंपल मैंने सर्कल क्रिएट किया। अब इसके बाद एक और लेयर हम सेलेक्ट करेंगे जिस पर हम स्क्वायर क्रिएट करेंगे, और फ्रेम
स्क्वायर की फ्रेम वन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्क्वायर का शेप सिलेक्ट करते हैं। स्क्वायर के अंदर कोई कलर नहीं चाहिए, लेकिन उसकी आउटलाइन हमें ब्लैक चाहिए। हमने इस सर्कल की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सिंपल हमने स्क्वायर जो है वो ड्रॉ किया। वी मूव का टूल सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके हमने अपने स्क्वायर को F8 करके ग्राफिक में कन्वर्ट किया और इसका नाम हमने स्क्वायर रख दिया। ये हमारा काम यहां तक क्रिएट हो गया। देन उसके बाद फ्रेम नंबर 8 पर जाएंगे और दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी दोनों लेयर्स की दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम F6 करेंगे। इस F6 को प्रेस करने का मकसद यह है कि मैं ये चाहता हूं कि ये सर्कल यहां से स्टार्ट हो और स्क्वायर के करीब आ जाए, और सर्कल की फ्रेम पर राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि जब हम इंटर प्रेस कर रहे हैं तो सर्कल हमारा स्क्वायर की तरफ जा रहा है। अब मुझे सर्कल को बेसिकली स्क्वायर के अंदर जो है वो इंसर्ट करना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ्रेम 6 को सिलेक्ट करता हूं दोनों लेयर्स की, यानी स्क्वायर की और सर्कल की दोनों लेयर्स की फ्रेम नंबर्स जो भी हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम है, लाइक फ्रेम नंबर 9 है सॉरी इस वक्त मेरे पास, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और F6 किया। ऐसा करने के बाद मैं अपने सर्कल को सिलेक्ट, सर्कल और स्क्वायर इस वक्त दोनों सिलेक्टेड थे, मैंने पेज पर खाली जगह पर क्लिक किया तो दोनों डिसलेक्ट हुए। देन मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया। अब सर्कल चूंकि इस वक्त एक ग्राफिक यानी एक ऑब्जेक्ट बन गया है तो उसको मैं शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए मुझे पहले इस सर्कल को ब्रेक करना होगा। कंट्रोल बी, बी फॉर बॉय, बी फॉर ब्रेक, कंट्रोल बी को एक दफा हम प्रेस करेंगे जिससे हमारा ये सर्कल ब्रेक हो गया। ख्याल ये रखना है कि पहली फ्रेम पर हमने सर्कल को ग्राफिक में कन्वर्ट किया था, देन फ्रेम नंबर 8 तक हमारा सर्कल ग्राफिक के अंदर ही है, लेकिन फ्रेम 9 पर हमने अपने सर्कल को ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद फ्रेम नंबर 11 को हम दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, F6 करते हैं और फ्रेम नंबर 11 पर हम स्क्वायर का शेप लेते हैं विद सेम कलर और इस स्क्वायर के अंदर एक सिंपल और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम नंबर 11 पर मुझे स्क्वायर चाहिए, सर्कल नहीं चाहिए, तो हम ग्राफिक टूल मूव टूल हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से सर्कल को डबल क्लिक करके डिलीट कर देते हैं और ये जो हमारा शेप है लाइक हमारा स्क्वायर है ये बाय मिस्टेक मुझसे स्क्वायर की लेयर पे क्रिएट हो गया जो कि मुझे नीचे सर्कल की लेयर पे चाहिए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको कट कर करते हैं कंट्रोल एक्स और सर्कल की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं एंड देन कंट्रोल वी पेस्ट और हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। अब देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये शेप कन्वर्ट होगा तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और ट्विन से हम ले लेंगे शेप और अब इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर, सर्कल हमारा कन्वर्ट हो रहा है और स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर की शेप के अंदर ही जो है वो फिलअप हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां पर ये स्क्वायर जब सर्कल जो है वो उसके अंदर जाए तो वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी लचक पैदा हो, थोड़ा सा वो मूव करे, तो ऐसा करने के लिए हम चले जाते हैं फ्रेम नंबर नेक्स्ट फ्रेम यानी फ्रेम नंबर 12 पर और हम फ्रेम 12 पर दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, F6 करते हैं और देन सबसे पहले हम स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं और यहां से ट्रांसफॉर्म का टूल क्यू प्रेस करते हैं। इसका जो मिड पॉइंट है, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है मिड पॉइंट, इसको क्लिक करते हुए नीचे की तरफ रखेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे। ख्याल रखना है कि माउस की शक्ल जो है वो एरो में इस तरह से तब्दील होगी। ये हमारा स्क्वायर जो है वो आगे की तरफ हमने शिफ्ट किया। देन उसके बाद हम सर्कल की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं जहां पर इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट स्क्वायर है, हमें नजर आ रहा है, हमने इसको डबल क्लिक किया। इसी तरह से इसके भी मिड पॉइंट को हमने साइड पे कॉर्नर पे किया बॉटम की तरफ और इसको हमने बिल्कुल उसके साथ एक्यूरेटली मैच कर दिया।
देन फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम पर जाते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं F6 और दोनों की पोजीशन को दोबारा पीछे करते हैं। पहले हम स्क्वायर के साथ ये काम करते हैं, स्क्वायर को वापस अपनी जगह पे लाते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं और फिर हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी इसी तरह से हम इसको भी हम इस तरह से पीछे की तरफ मूव कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारी अपनी जगह पर ठीक से आ गई। कंट्रोल एंटर करके चेक करते हैं। राइट, अब देखें हमारा सर्कल जब स्क्वायर के अंदर जा रहा है तो स्क्वायर में एक छोटी सी प्रेशर आ रहा है, वो पुश हो रहा है और वो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन चूंकि वो एक बाउंड्री के अंदर है तो वो उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर लेता है और वापस वो अपनी पोजीशन पर ठीक से आ जाता है। तो यहां पर हमने दो तीन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की। पहला हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को अगर ब्रेक करना हो और शेप में कन्वर्ट करना हो तो वह कैसे किया जाता है, और हमने ये देखा कि किस तरह से एक छोटी सी एनिमेशन यहां पर डिजाइन की जाती है।